हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 33 देखेंगे, जिसका क्वेश्चन है एडिशन। देखिए, इसमें हमें जो एडिशन करनी है, सिंपल एडिशन है, जिस तरह से हम एडिशन करते हैं उसी तरह से है। लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल यूज किए गए हैं, पी क्यू ए बी, ये जो इनिशियल है इसकी भी एडिशन हमें यहाँ पर करनी है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 9p प्लस 16q 13p प्लस 2q। तो देखिए, यहाँ पर हमें पहले क्या करना है कि ये जो हमें एग्जांपल दिया है उसको पहले ब्रैकेट करना है। तो देखिए, 9p प्लस 16q, इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे। हमें यहाँ पर एडिशन करने को कहा है, तो बीच में क्या करेंगे, हम एडिशन का साइन देंगे। फिर सेकेंड यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे, 13p प्लस 2q। ठीक है, अभी हम किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट हमने किया है, ये ब्रैकेट हम पहले सॉल्व कर लेंगे। 9p प्लस 16q हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस प्लस का साइन देंगे। फिर 13p प्लस 2q। ठीक है, इस स्टेप होने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो इनिशियल दिए गए हैं, यहाँ पर p है और यहाँ पर भी p है, तो दोनों जो इनिशियल है उसको हम यहाँ पर एड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9p प्लस 13p। देखिए, यहाँ पर 9p प्लस 13p, फिर हम यहाँ पर प्लस का साइन देंगे। फिर उसके बाद 16q प्लस 2q। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद हम यहाँ पर एडिशन करेंगे। 9 प्लस 13 हो गए 22p, प्लस 16 प्लस 2 हो गए 18q। तो यहाँ पर q इनिशियल है तो हम यहाँ पर q देंगे, यहाँ पर p इनिशियल है तो यहाँ पर हम p देंगे। तो हमारा आंसर आया 22p प्लस 18q। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2a प्लस 6b प्लस 8c, 16a प्लस 13c प्लस 18b। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट कर लेंगे और बीच में एडिशन का साइन देंगे। ठीक है, 2a प्लस 6b प्लस 8c, इसको ब्रैकेट किया, प्लस 16a प्लस 13c प्लस 18b। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट कर लिया। अब ब्रैकेट हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट से बाहर हम वैसे के वैसे ही नंबर यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, 2a प्लस 6b प्लस 8c, यहाँ पर बीच में एडिशन का साइन है वो साइन देंगे। फिर 16a प्लस 13c प्लस 18b। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, ये दो इनिशियल है, तो इसको यहाँ पर पास में लेंगे। 2a प्लस 16a, फिर प्लस 6b प्लस यहाँ पर 18b। ठीक है, यहाँ पर b क्या है, 18b है। फिर 8c प्लस 8c प्लस 13c। ठीक है, फिर हम यहाँ पर इसके एडिशन करेंगे। 2a प्लस 16a हो गए 18a, प्लस बीच में देखिए प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। फिर 6b प्लस 18b तो हो गए 24b। फिर प्लस 8 प्लस 13 हो गए 21, तो इन्हें से ले c, तो हम 21c। आंसर हमारा आया 18a प्लस 24b प्लस 21c। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, देखिए 13x² माइनस 12y² यहाँ पर 6x² माइनस 8y². देखिए, इसको भी हम पहले ब्रैकेट कर लेते हैं। 13x² माइनस 12y², इसको ब्रैकेट कर लिया। बीच में हमें एडिशन करना है तो एडिशन का साइन देंगे। फिर इसको भी ब्रैकेट करेंगे, 6x² माइनस 8y². ठीक है, अब इसे ब्रैकेट से हम बाहर निकालेंगे। 13x² माइनस 12y², बीच में एडिशन का साइन है वो साइन देंगे। फिर 6x² माइनस 8y². ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, x² और यहाँ पर x², इसको हम पास में लेंगे। 13x² और यहाँ पर 6x², अभी 6 के आगे यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन देंगे। इन दोनों के बीच में आ गया प्लस का साइन। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर y² लेंगे, तो देखिए माइनस 12y², तो 12 के आगे यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, 12y². इसके बाद 8y² है, 8 के आगे यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन देंगे। ठीक है, 8y² लिखेंगे। फिर हम देखें यहाँ पर 13 प्लस 6
यहाँ पर करेंगे तो वो हुए हमारे 19 और ऊपर है एक स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। इसके बाद 12y² - 8y² तो देखें यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होते हैं, इसलिए हमने 12 और 8 का यहाँ पर एडिशन किया, माइनस माइनस प्लस तो हो गए 20y² बीच में यहाँ पर माइनस का साइन क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर बड़ा जो नंबर है इसके आगे माइनस का साइन है तो बीच में हम यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 9x आंसर आता है 9x² - 20y² 20 के आगे पर एडिशन का साइन है, ठीक है। अभी आगे देखिए 17a² b² + 16c 28c - 28a² b² यहाँ पर इसको ब्रैकेट कर लेते हैं 17a² + b² + 16c + 28c - 28a² b² फिर हम यहाँ पर करेंगे 17a² b² देखिए उस वैसे के वैसे लिखेंगे प्लस 16c ब्रैकेट हमने निकाल लिया, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 28c - 28a² b², ठीक है। इसको होने के बाद हम a² b² ये जो नंबर है वो पास में लेंगे। देखिए 17a² b² - 28a² b², क्योंकि 28 के आगे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन देंगे। फिर यहाँ पर 16 के आगे प्लस का साइन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 16c + 28c, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 17 - 28, तो यहाँ पर 17 - 28 किए तो आ गए 11, ठीक है। और 28 के आगे यहाँ पर माइनस का साइन है तो आंसर को हम यहाँ पर माइनस का साइन देंगे। आंसर आता है 11a² b² + 16 + 28 आते हैं 44c, ठीक है। हमारा आंसर आता है -11a² b² + 44c। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 3y² - 10y + 16 2y - 7, ठीक है। यहाँ पर इसको ब्रैकेट कर लेते हैं 3y² - 10y + 16 + 2y - 7 इसको ब्रैकेट कर लिया। अब देखिए 3y² - 10y + 16 यहाँ पर प्लस का साइन है 2y - 7। अब यहाँ पर देखिए 13y² यहाँ पर y स्क्वेयर है, यहाँ पर y है तो इसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे 3y² - 10y यहाँ पर हमने लिख लिए y यहाँ पर आ गए, फिर बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है हम यहाँ पर लिखेंगे 2y + 16 - 7, ठीक है। y 3 ने सिर आ गए, फिर 16 - 7, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे 3y² - 8y देखिए 10 में से 2 गए, यहाँ पर आ गए 8, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस है तो हम इसकी माइनस करेंगे और 10 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस देंगे, माइनस का साइन देंगे, प्लस यहाँ पर 16 - 7 हो गए 9। हमारा आंसर आता है 3y² - 8y + 9, ठीक है। आंसर लिखेंगे 3y² - 8y + 9। और लास्ट जो एग्जांपल है -3y² + 10y - 16 7y² + 8 देखिए इसको ब्रैकेट कर लेते हैं -3y² + 10y - 16 इसको ब्रैकेट कर लिया प्लस 7y² + 8 इसको भी ब्रैकेट हमने यहाँ पर कर लिया। फिर क्या करेंगे -3y + 10y - 16 + 7y² + 8 फिर -3y² + 7y² देखिए y² यहाँ पर पास में लिया, फिर +10y - 16 + 8 इसके आगे देखिए 3y² + 7y² तो आते हैं यहाँ पर देखिए -3 है और यहाँ पर +7 है तो इसको हम माइनस करेंगे, 7 में से 3 गए आते हैं 4 और 7 ये जो बड़ा नंबर इसके आगे प्लस का साइन है तो इस पे आगे भी यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो 4y² +
देखिए यहाँ पर 10y है माइनस 8, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे 4y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 8, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 33 है ये यहाँ पर सॉल्व किया है। आई होप जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 34 में। तब तक के लिए बाय बाय।